सब्सक्राइब कीजिए द गो राइडर्स चैनल को और बेल बटन को दबाइए नए वीडियो अपडेट के लिए। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। मैं शशांक शेखर सिंह आप सबका वेलकम करता हूं अपने चैनल गो राइडर्स में। तो दोस्तों, आज हम निकल रहे हैं कसोल एक्सप्लोर करेंगे। जो जो चीज़ें कसोल के आसपास हैं वो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और आज हमारा साथ देने वाले हैं भाई साहब, इधर आइए। ये आज हमारे साथ साथ देने वाले हैं। हम जा रहे हैं, अभी पहला डेस्टिनेशन क्या है भाई? छलाल। छलाल गांव जाएंगे, रिवर साइड होते हुए हम पहुँचेंगे वहाँ पर। जितना टाइम लगेगा बता दें कितना टाइम लगा हमें, क्योंकि अभी 2 बजने वाले हैं और हम जिस हॉस्टल में हैं, इस हॉस्टल का नाम है डेस्टिनेशन ऑफ पीस। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं और बाकी की बात करते हैं रिवर साइड चलते हुए। ओके, चलिए। सो ये है लोकेशन हॉस्टल का, देख लो। चलो, ये कसोल रिवर साइड कैंप्स भी हैं बगल में, उनकी प्रॉपर्टी है इधर। सो गाइस, लास्ट टाइम जब हम आए थे तो उस समय हमारे मित्र थे, प्रिया थी, सोनल थी, उनका एक फ्रेंड था। लेकिन इस बार मैं बाइक राइड करके आया हूँ, तो यहाँ तक जो पहुँचा हूँ, पहले मैंने किया स्पीति, पूरी स्पीति राइड की है, उसके बाद मैं शिमला से कसोल आया हूँ। तो अगर शिमला से कसोल का वीडियो देखना चाहते हैं तो देखिए, ऊपर आई बटन में आ रहा है। अगर स्पीति राइड का देखना चाहते हैं तो पूरी सीरीज़ है स्पीति राइड की, वो आप जा करके देख सकते हैं। भाई मेरा नाम बता दो। शिवम। शिवम, और कहाँ से हो? मैं जमशेदपुर से। अरे वाह, तो ये लोग जो है भाई, ये लोग जॉब वाले हैं, सब वर्क फ्रॉम होम लेके मस्त घूम रहे थे। कैसा लग रहा है कसोल? बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब हम तो काम कर रहे हैं अभी कुछ दिन, फिर उसके बाद सैटरडे संडे वीकेंड्स में निकल रहे हैं। तो अभी हमने जस्ट खीरगंगा का ट्रैक कंप्लीट किया था, 25 किलोमीटर्स। देखो नज़ारा भाई, अभी हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे और छलाल गांव तक जाएंगे। जिस हॉस्टल में हम रुके हुए हैं वो कसोल टाउन से, मतलब मार्केट से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। मतलब जब आप भुंतर से कसोल की तरफ आओगे तो कसोल से 4 किलोमीटर पहले आपको रुकना होगा, वहीं पे है डेस्टिनेशन ऑफ पीस। चलिए आगे चलते हैं और व्यू नज़ारों का मज़ा दिलाते हुए आपको पहुंचाते हैं छलाल गांव तक। गाइस, हम तो घूम ही रहे हैं, आपको भी अपने लेंस के माध्यम से जगह दिखा रहे हैं। तो क्या करना है, वीडियो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ। चलो आगे चलते हैं। ये जो रास्ता है हमारा जाने का, कभी हम रिवर के करीब जा रहे हैं, कभी रिवर से थोड़ी सी दूरी पर चले जा रहे हैं, फिर रिवर के करीब जा रहे हैं, फिर थोड़ी सी दूरी पर चले जा रहे हैं। तो क्योंकि वो अगर मेन रोड पकड़ के हम जाते तो ऑलमोस्ट वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, चलल गांव तक पहुँचते पहुँचते लगता है कि 6 किलोमीटर का ट्रैक हो जाता, लेकिन ये शॉर्ट है। सो हम रिवर के साइड से चलते हुए जा रहे हैं। एंड गाइस, हिमाचल आए और हिमाचली कैप नहीं पहने तो फिर क्या पहने, है कि नहीं भाई? जब मैं आया था 2019 में कसोल तो इतने कैंप्स नहीं दिख रहे थे, लेकिन इस टाइम आया हूँ तो देख रहा हूँ कि मतलब कसोल के 4-5-6 किलोमीटर पहले से लेकर के कसोल के बाद 4-5-6 किलोमीटर तक बहुत सारे कैंप्स, होम स्टेज बन चुके हैं। और वो देखो वहाँ दिख रहा है ब्रिज, उसी ब्रिज को क्रॉस करके हमको जाना है छलाल गांव में। चलिए, वो व्लॉगर ही क्या जो कैमरा ऑफ करके क्रॉस करे। डर के आगे जीत है और जीत के आगे प्रीत है।
सो गाइज, अगर आप छलाल गांव में रुकना चाहते हो, ठीक है, व्हीकल लेके आते हो, तो आप इस जगह पे पार्किंग कर सकते हो। देखो सब सारी कार्स पार्क है, बाइक भी लेकर आना चाहते हो बाइक लेकर के आगे पार्क कर दो। और पार्क करने के बाद ये सामने ब्रिज दिख रहा है ना, उस ब्रिज को क्रॉस करके देखो सारे कैंप्स दिख रहे होंगे आपको, जाके कैंप्स में रुक सकते हो। सो, मुझे नहीं पता था, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मुझे लगा था कि बिल्कुल रिवर साइड तक नहीं लेके जा सकते हैं बाइक, इसलिए मैं हॉस्टल में रुक गया। अगर मुझे पता होता कि हम यहाँ तक अपनी बाइक लेकर के आ सकते हैं तो शायद हम यहाँ आके रुके होते, बट कोई नहीं, अभी तो जर्नी बाकी है। अभी तोश करने के बाद फिर मुझे वापस आना है, तो तोश करने के बाद जब यहाँ आऊँगा तो देखता हूँ, अगर रुकना हुआ कसोल में तो हम ज़रूर इसके आसपास ही कहीं रुकेंगे। बॉडीगार्ड चल रहा है साथ में, एक पीछे एक आगे, ये पूरे रास्ते चलेंगे हम। एंड गाइस, मैं फिर से आपको बता दूं कि लास्ट टाइम जब मैं आया था इतना ज्यादा कमर्शलाइज नहीं था ये जगह, लेकिन अभी दो साल में इतने सारे होम स्टेज, इतने सारे कैंप्स, मतलब हर चीज यहाँ पे अभी अवेलेबल हो गया था। टूरिज्म इसका मतलब कसोल में बहुत ज्यादा आने लगा, और आपको तो पता ही है लोग कसोल क्या करने आते हैं। हम घूमने आए हैं, हम वो करने नहीं आए, हम बस घूमने आए हैं और आपको अपने लेंस के माध्यम से घुमाने आए हैं। तो चलते हैं आगे। इनका अलग ही जोन में है, ये लोग अलग ही वीड उड मार के हैश वैश मार के अलग ही जोन में है दोनों। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इधर से घेर रहा है, देखो वो उधर भाग रहा है, इधर भाग के घेर रहा है। गाइस, आप पहाड़ों में अगर आते हो, कहीं भी ट्रैक करते हो, तो ये जो डॉगीज होते हैं इस गाँव के, वो आपको पूरा रास्ता दिखाएंगे, प्रॉपर रास्ता दिखाएंगे। हमारे साथ साथ ये लोग लगे हुए हैं कब से, ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर से ये लोग हमारे साथ साथ आ चुके हैं। आप खीर गंगा भी और जाते हो और अकेले हो तो टेंशन नहीं लेना, कोई ना कोई डॉगी आपका साथ देने के लिए ज़रूर आएगा और वो आपको ऑलमोस्ट ऊपर तक पहुँचा के फिर ही वापस आता है। बस आपको एक काम करना है, उनको एक पैकेट पार्ले जी बिस्किट ज़रूर खिला के जाना प्लीज़। पूरा जंगल एक्सप्लोर करने लगे हम लोग यार जाना था छलाल विलेज और घूम रहे हैं जंगल में। दिख रहा है, आया रास्ता। तो गाइस, हम रिवर साइड चले गए थे तो थोड़ा रास्ता भटक गए थे, फिर से हमने जंगल क्रॉस किया और अपने सही ट्रैक पे आ चुके हैं अभी। सो गाइज, ये है छलाल विलेज, देख लो।
चलिए कैफे की तरफ चलते हैं जहाँ पे स्पेशल ब्राउनी मिलता है, राखा हाउस। फ्रीडम कैफे, वहाँ सामने में ये दिख रहा 360 कैफे है, छलाल इन कैफे, होम स्टे भी है, हॉस्टल्स भी है, तो आप यहाँ भी अगर रुकना चाहते हो तो आकर रुक सकते हो। सो गाइस, शोभा रूपा से हमें पहुँचने में एक घंटा लगा छलाल, और छलाल आने से पहले हम कटकला होते हुए आए, तो किलोमीटर आई थिंक कितना होगा वहाँ से दीदी, कितना पड़ता होगा वहाँ से शोभा रूपा से यहाँ पे? सो गाइस, 4 या 5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है छलाल गाँव। अगर आप कसोल से आते हो, मेन मार्केट के आसपास रह रहे हो, अगर वहाँ से आते हो तो आपको 2.5 से 3 किलोमीटर पड़ेगा। जो पिला रहे दीदी पिला दो, चाय पिला दो अच्छी। सो हम आए शोभा रूपा से, हमें एग्जैक्ट लगा 1 घंटे 10 मिनट। आप आओगे कसोल से तो आपको भी 1.5 घंटे 45 मिनट मिनिमम लगेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ से डिस्टेंस कम है, कसोल मार्केट से डिस्टेंस कम है। हम जहाँ से आए वहाँ से कसोल मार्केट 4 किलोमीटर पड़ता है, और अंदर अंदर हम आए हैं तो कटकला होते हुए पहुँचे यहाँ पे। तो अभी यहाँ से चाय पियेंगे, चाय पी के निकलेंगे। छलाल में आते हो तो राखा हाउस करके एक कैफ़े है, आप यहाँ पे चाय खाने की चीज़ें अगर खाना चाहते हो तो दीदी बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं, तो स्पेशल ब्राउनिंग ये सब चीज़ें हैं, तो आप आओ एक बार ज़रूर से यहाँ पे चेकआउट करके जाना। तो गाइज, अभी हम आए थे छलाल, कटकला होते हुए छलाल पहुंचे थे, अब छलाल से हम निकल रहे हैं। हमने चाय पिया, बड़े कप में चाय पिया 50 का एक, ठीक है, और ये देखो ये बुकिंग करनी है आपको, तो यहाँ पे है नंबर। और अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं कसोल। सो अभी रास्ता दूसरा होगा, मतलब कि हम बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं, सी के शेप में। तो चलिए फटाफट चलते हैं और आपको यहाँ से छलाल से कसोल जाने वाला रास्ता भी आपको दिखाते हैं, और उसके बाद आपको दिखाएंगे मार्केट, जो कसोल का मार्केट है, उसके बाद मणिकरण गुरुद्वारा भी दिखाएंगे, और उसके बाद इस ब्लॉग को एंड कर देंगे। चलिए